दोस्तों, मैं हूं अपन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्माल हाउस प्लान। आज हम बेहतरीन से मॉडल को आप लोगों के लिए सामने लेकर आए हैं। यह मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हालांकि इस मॉडल को मैं ऑलरेडी पहले कल डिस्कस कर चुका था, बट अब की बार ये तो डबल स्टोरी में हो चुका है। उसका फ्रंट एलिवेशन पूर्णतः चेंज हो चुका है। अगर आपका भी कॉर्नर का प्लॉट है और आप चाहते हैं बेहतरीन से डिजाइन, तो इस मॉडल को कर सकते हैं सिलेक्ट, क्योंकि आज का मॉडल बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने मैं कॉन्टेक्ट किया था, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं अभी दिखाऊंगा। साथ साथ इस मॉडल में जो मैंने चेंजमेंट की है वो भी आपको समझाऊंगा। कल भी मैंने मॉडल ऐसा ही सिमिलर ही दिया था, बट उसका एलिवेशन में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट था। बट उनको एलिवेशन जो चाहिए था, उनको एलिवेशन इस टाइप का चाहिए था, फिर मैंने उनको एलिवेशन पूरा चेंजमेंट करके दिया। तो उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया था। अगर आप भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। तुरंत आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करके दूंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होता है। तो आज का ये मॉडल खास होने वाला है इसलिए क्योंकि इसका एरिया बहुत ही कम है। 26x37 फीट में बना हुआ है। 26 फीट इसका फ्रंट है और 37 फीट इसकी गहराई है। और इसका फ्रंट तो आपका ये है, देखिए फ्रंट से, और साइड से भी इनका रोड है, इस वजह से साइड से भी प्रॉपर मैंने रेलिंग और गेट वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद इसी एरिया में आपका फ्रंट में इनका स्टेयर्स है, स्टेयरकेस, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ग्लास वर्क भी दिया हुआ है। और साइड में थोड़ा सा इनका चेंजमेंट मॉडल में ये है, इतना एरिया एक्स्ट्रा ही लेट एंड बाथ, यहाँ पर इन्होंने अटैच लेट बाथ बनवाया था, इस वजह से ये एरिया आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा। बाद बाकी इधर भी विंडो वगैरह मैंने चारों तरफ दिए हैं क्योंकि उनकी शायद चारों तरफ जगह है, इस वजह से उन्होंने चारों तरफ विंडो वगैरह मुझसे बोला था, तो मैंने सारा विंडो वगैरह चारों तरफ देकर उनको प्रॉपर तरीके से मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की है। तो चलिए आज के मॉडल को हम डिस्क्राइब कर देते हैं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ। इसका विशेष ध्यान रखिए, ये जो ग्लास का वर्क है ये मैंने पूरा एक साथ बनाया है दोस्तों, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो आप उसे इग्नोर करिएगा। अभी देखिएगा, मेन तो एंट्री आपकी इस स्टेयर से होगी और सबसे पहले आपको एक बारंदा टाइप का डिज़ाइन मिलता है और इसी बारंदे से ही देख मैं जूम करता हूँ, आपकी स्टेयर्स गई हैं। देखिए ये दोस्तों स्टेयर्स है, इसे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे, वापस आ जाएंगे और छत पर पहुँचेंगे। इसी स्टेयर्स के नीचे एक लेट बाथ भी बनाया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्टेयर्स के नीचे लेट बाथ बनाया जाए, तो मैंने बनाया है। इसका वेंटिलेशन इस साइड से दिया है, लेकिन इस लेट बाथ को बनाते समय, इस स्टेयर्स को बनाते समय विशेष ध्यान ये रखना होता है कि स्टेयर जब भी बनवाए तो कम से कम 6 फीट हाइट जरूर पकड़ ले, क्योंकि तभी उसके नीचे लेट बाथ प्रॉपर बन पाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा बनवाते समय। तो मेन डोर यहाँ से आपकी एंट्री होगी और ये भी एक विंडो है और साइड से भी रोड है, तो इधर से भी मैंने एक देखिए विंडो दिया है। तो ये एक पिलर है जिस पर ये बारंदा पूरा टिका हुआ है और ये आगे से वॉल है और यहाँ पर ग्लास का वर्क है। तो मेन डोर से जैसा आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं। इस डाइनिंग हॉल में दो विंडो है, एक साइड से और एक फ्रंट से। इसके बाद ये एक बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम में भी दो विंडो है, एक तो बाहर से फ्रंट से, एक है साइड से। तो वेंटिलेशन की किसी भी प्रकार की यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते तो एक गैलरी मिलती है, इसी गैलरी को अटैच किया है साइड वाली रोड से, यहाँ से स्टेयर चढ़ेगा और आपका यहाँ से भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं साइड से तो आप गैलरी में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। इसके बाद दो पीछे बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं, दोनों बेडरूम कॉर्नर पर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इस वाले बेडरूम में दोनों तरफ विंडो मैंने देने की कोशिश की है, दोनों तरफ कॉर्नर की वजह से। इधर वाला जो बेडरूम है इसमें थोड़ा सा सीमेंट है, इसमें विंडो तो आपका बैक साइड एक बड़ा सा लगेगा, साइड में छोटा लगेगा, और इसमें एक अटैच लेट बाथ भी इनको रिक्वायर्ड था, तो इन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया अटैच लेट बाथ। और इस लेट बाथ में दो वेंटिलेशन है, एक तो साइड में, एक बैक साइड में। तो कुल मिलाकर बात करें, ग्राउंड फ्लोर मोटा मोटी आपका यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको डाइनिंग एरिया, रूम, और ये आपका गैलरी, और ये दो बेडरूम, ये किचन आपका इधर बना है, देखिए किचन, हाँ बताना मैं भूल गया, इधर से किचन है आपका जस्ट, और इसको वेंटिलेट करने के लिए साइड में विंडो भी दिया गया है। तो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड फ्लोर आपको समझ में आ गया होगा, ग्लास कवर की पूरा ऊपर तक जाएगा। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, अभी देखिएगा आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। ये दोस्तों पीओपी का डिज़ाइन, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा। देखिएगा फर्स्ट फ्लोर में कोई चेंजमेंट, मॉडल में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, वही दोनों बेडरूम है पीछे, वही लेट एंड बाथ है, और इधर वही आपका गैलरी है, ये किचन है, और ये आपका डाइनिंग एरिया है, और ये बेडरूम है। इधर बस चेंजमेंट ये हुआ है कि जो स्टेयर्स के नीचे आपका लेट बाथ बना था ग्राउंड फ्लोर, वो ऊपर तो नहीं बन पाएगा, इस वजह से वो ऊपर आपका नहीं बना, स्टेयर्स वही है, ग्लास वर्क वही है।
अब आप चेंजमेंट क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर ग्रिल लगभग ढाई से तीन फीट आगे निकाल कर एक ग्रिल बनाई गई है, और ग्रिल का डिजाइन आप देखिएगा कितना खूबसूरत दी है, और इधर भी देखिए ढाई से तीन फीट आगे निकाल कर बनाई गई है, इधर भी ग्रिल का आप डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत मैंने बनाने की कोशिश की है। और ये पूरा मॉडल आपका फर्स्ट फ्लोर चारों तरफ आपका ये देखिएगा छज्जा टाइप का निकला हुआ है। अगर आप भी पेड सर्विस हमारी लेना चाहते हैं, आप भी ऐसा घर बनवाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। बट उसके लिए आपको 50% पेमेंट क्या पहले करना होता है, 50% बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। और इन मॉडल्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो जैसे आप लास्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे सारे बेडरूम वगैरह मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ बाउंड्री वॉल 3.5 फीट का है। और ये देखिएगा जो आपका ग्लास का वर्क था, ये गुमटी ऊपर आपकी बन गई है जाकर उसमें डोर, और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ग्रिल वगैरह आप देखिए कितने खूबसूरत ग्रिल वगैरह यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की। ये पूरी छत आपकी ओवरऑल बनकर रेडी हो जाती है, और ये आपका ग्लास का वर्क भी हो जाता है। और इधर से देखिएगा तो ये 26 और 37 में एक बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। अगर बात करें इसकी कॉस्ट की दोस्तों, तो इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं आप 26 x 37 से, तो ये आपका लगभग बन के आता है 962 square feet। तो 962 square feet तो नीचे है, बट इसमें छज्जा भी 3 feet एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो लगभग 1000 square feet अगर आप मोटा मोटी लेकर चलेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर 1000 square feet, फर्स्ट फ्लोर 1000 square feet, दो फ्लोर आपके बनते हैं, और बेहतरीन सा मॉडल बना है। तो इस वजह से इसके मॉडल में लगभग 1500000 रुपये तक का खर्च आएगा अगर आप विद फिनिशिंग इस मॉडल को बनाते हैं। ये डिपेंड करेगा दोस्तों आप इस मॉडल को कहाँ पर बनवा रहे हैं, किस सीजन में बनवा रहे हैं, बहुत चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों यहाँ पर रहती हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो 1500000 के अंदर ये मॉडल बनने की उम्मीद है, बट ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट 1500000 लगे, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। और घर में आप जितना पैसा लगाना चाहें, 15 करोड़ अगर इतने मकान में लगाना चाहें, तो वो भी लग जाएगा, ठीक है ना। इसी एरिया में 15 करोड़ भी रुपए लग सकता है, इतने से एरिया में मकान में की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये मॉडल अगर पैसा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और चैनल स्मॉल हाउस प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी आप घर बनवाइएगा तो एक बार दोस्तों इस चैनल पर विजिट करिएगा, और आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा हमारी पेड सर्विस लेने के लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।